इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के मेगा ऑक्शन पर बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बच्चे सुहाना खान और आर्यन खान के साथ जूही चावला की बेटी जानवी भी शामिल हुई। ये स्टार किड्स खूब सुर्खियों में छाए रहे और इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुई। अब जूही चावला ने बेटी जानवी मेहता के बर्थडे से कुछ दिन पहले एक वीडियो शेयर किया है जिसमें माँ बेटी की कई खूबसूरत झलकियाँ कैद है और IPL ऑक्शन की भी झलक है। इस वीडियो को शेयर करते हुए माँ ने काफ़ी लंबा चौड़ा नोट भी लिखा। उन्होंने इस वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है, जब वह छोटी सी बच्ची थी तब से जानवी ने केवल IPL ही नहीं बल्कि क्रिकेट देखना शुरू किया था। कमेंटर्स की बातों को वह ध्यान से सुना करती और खेल के दांव पेट को समझने लगी। जब वह करीब 12 साल की थी तब हम फैमिली हॉलीडेज पर बाली में थे। होटल में एक कॉफ़ी टेबल बुक थी जो एक मोटी टेलीफोन डायरेक्टरी थी, याद है वो। इसमें दुनिया के सभी क्रिकेटरों की लाइफ से जुड़ी कहानियाँ, उनके अचीवमेंट्स, रिकॉर्ड्स या दुनिया भर के क्रिकेटरों की जन्म कुंडली भी थी। होटल में बिताए उन कुछ दिनों में वह पूल के किनारे उस किताब के पन्नों को पढ़ने लगी। ये काफ़ी असामान्य और इंटेंस था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी 12 साल की लड़की ऐसा करती है। जैसे जैसे वक्त बीतता गया खेल में उसका इंटरेस्ट बढ़ता गया। उन्होंने आगे लिखा, जब भी क्रिकेट को लेकर कोई बातचीत होती है तो उसका चेहरा खिल उठता है, वह खुश और उत्साहित हो जाती है। इस विषय पर उसका ज्ञान देखकर मैं हैरान होती हूँ। जानवी ने 3 साल पहले रिकॉर्ड बनाया था कि जिसे IPL ऑक्शन टेबल पर सबसे कम उम्र के पर्सन के तौर पर शामिल होने की अनुमति मिली थी और वह सिर्फ 17 साल की थी। आर्यन और जानवी पिछली बार के ऑक्शन में शामिल थे और इस बार सुहाना भी शामिल हुई। ये हमारे CEO श्री वेंकी मैसूर का सपोर्ट है जिन्होंने उन्हें इम्पोर्टेंट डिस्कशन में भाग लेने की अनुमति दी और उन्हें अपने विचार रखने का भी मौका दिया। वे उन्हें प्यार से कोच कहकर बुलाते हैं। बेशक वे एक यंग इंटर्न की तरह है जो KKR कैंप में ट्रेनिंग ले रही है, लेकिन वह इसे लेकर काफ़ी उत्साहित है। वह वही है जहाँ उसका मन है और ये दिखता भी है। एक माँ के तौर पर मैं धन्य, खुश और गौरवान्वित महसूस करती हूँ। वह बहुत ब्राइट है, उसे अभी लंबा रास्ता तय करना है। भगवान की कृपा से वे अपने रास्ते पर है।